नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। रीवा पुलिस के कारनामे किसी से छुपे नहीं है, साथ ही रीवा की पुलिस कितनी भ्रष्ट है इसे नापने का पैमाना आज तक नहीं बन सका। रीवा पुलिस पहले घटनाओं को होने से रोकने में नाकाम रहती है और उसके बाद घटनाओं के हो जाने पर मामला रिश्वत लेकर ऊपर ही ऊपर खेल लेने की तरकीब तो कोई इन वर्दी छाप लुटेरों से सीखे। मामला रीवा के गोविंदगढ़ थाना का है, जहां थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह बघेल को 10,000 तो वहीं एएसआई देशराज सिंह को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने दर दबोचा है। जिले के रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है। देशभक्ति समाज सेवा का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस रिश्वत खोरी करते हुए सरेआम दबोची गई है। खैर, जिले में खाकी के पीछे रिश्वत खोरी का खुला खेल करने वाले ऐसे कई थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, लेकिन मजाल है कि प्रशासन की लाठी इन जैसे लुटेरों पर चल जाए। आपको बता दें कि लोकायुक्त के नए SP गोपाल सिंह धाकड़ ने हाल में ही जिले की कमान संभाली है। उनकी पहली ही कार्रवाई से जिले के जाने माने थाना प्रभारी पर निलंबन की गाज गिरी है। इस कार्रवाई के बारे में लोकायुक्त SP ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कार्रवाई हुई है थाना प्रभारी और सहायक निरीक्षक के खिलाफ, क्या शिकायत थी और क्या? इसमें एक गोविंदगढ़ थाना का जो एक केस था 2021 का ही है, धारा 308, 120 और कुछ वहाँ के आरोप हैं। प्रियांश मिश्रा करके जो है इसमें एक फरियादी है, उनको जो है 2527 आर्मसेट जो वहाँ का गोविंदगढ़ थाने का केस था उसमें मेमोरेंडम के आधार पर मुलजिम बनाया गया था। तो उस आधार पर थाना प्रभारी द्वारा जो नाम हटाने के लिए उनसे जो है कुछ अननेसेसरी डिमांड की गई थी। तो वो चूंकि आदमी पहले 10,000 रुपये उसने ऐसा बताया फरियादी ने दे चुका था और 10,000 रुपये की और डिमांड की गई थी। उस आधार पर चूंकि वो बहुत परेशान और प्रताड़ित था तो फिर वो उसने हमारे यहाँ शिकायत की थी। उस शिकायत के आधार पर जो है पूरी जो लोकायुक्त की जो द्वारा कार्रवाई की जाती है उस प्रोसेस को अपनाया गया। उस प्रोसेस में जो है फिर उसकी रिकॉर्डिंग करवाई गई, तो रिकॉर्डिंग में ये पाया गया कि वो पैसे की डिमांड कर रहा है। उस फरियादी की शिकायत के आधार पर आज सुबह जो है लोकायुक्त रीवा द्वारा जो है थाना प्रभारी गोविंदगढ़ हैं बघेल, जो इंद्रजीत सिंह बघेल, और जो विवेचक हैं उसमें ASI हैं दलजीत सिंह, उन दोनों को जो है 10,000 रुपये और दलजीत सिंह को 3,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ रीवा लोकायुक्त के द्वारा पकड़ा गया है। अभी भी कार्रवाई जारी है। शिकायतकर्ता कौन है? प्रियांश मिश्रा करके। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।